हाय दोस्तों, मेरा DJI Spark ड्रोन जो है वो क्रैश हो गया। एंड वो क्रैश होने से पहले दो ड्रोन Phantom 4 Pro जो रिवर ब्रह्मपुत्र के अंदर गया। कारण क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, ड्रोन जो भी हो ज़्यादा हवा में विंड में उड़ाना नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मेरा जो कारण था वो मेरा ही फॉल्ट था। कारण ये था कि मैं एक जो रिवर्स शिप होता है वहाँ से मैं ड्रोन को फ्लाइट किया था, जो कि GPS जो है स्टेबल नहीं होता है। मतलब आप जब उड़ाएंगे, उड़ाने के वक्त जो GPS पकड़ लेता है, उसके बाद जब मूविंग में उड़ा रहे हो तो उस पर जो GPS है वो स्टेबल नहीं होता। तो उसी के कारण आप यू कान कंट्रोल द ड्रोन प्रॉपरली। तो उसी के कारण मैं ड्रोन को प्रॉपरली मैं लैंड नहीं कर पाया। एंड लास्ट मोमेंट पे मतलब एक जगह पे लगा वो चिप मतलब विद इन दी चिप ओनली, एंड वहाँ पे टकरा के जो बाउंस होकर रिवर ब्रह्मपुत्र में चला गया। एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, जो कि मेरा SME चैनल का लिंक है, आप थोड़ा स्किप कीजिएगा। वहाँ पे आपका लास्ट ड्रोन शॉट जो कि मोबाइल पे स्टोर होता है वो मैं दिखा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देखिए। एंड दो जो बाकी कारण है जो ज़्यादा हवा में नहीं उड़ाना चाहिए, उसका कारण मैं एक बोलना चाहता हूँ। दिल्ली से एक टीम आया था आसाम इनका एक एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए, तो सडनली मुझे कॉल आया कि कल सुबह जो है ड्रोन को लेके जाना है एक काम के लिए। तो मैंने पूछा उन लोगों का ड्रोन क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ड्रोन जब जिस तरफ हवा फैल रहा है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन पे ड्रोन वो मतलब मूव कर रहा था। देन जो है ज़्यादा जो इंजन में ज़्यादा जोर लगा, फोर्स लगा, तो उसी के कारण जो है ड्रोन का जो मोटर होता है वो जल गया एंड डायरेक्टली डाउन चला गया। एंड उसका भी पंखा जो प्रोपेलर होता है वो भी मतलब लूज हो गया, मतलब वो कहीं जाके गिर गया। तो उसी के कारण मैं बताना चाहता हूँ, ड्रोन को ज़्यादा हवा में मत लेके जाइए, कोई भी हो सकता है। एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन वॉच। बाय बाय।